पर आंदोलन कैसे बनता है, इसका जीता जागता नमूना सीसीएल के सीएमडी का ये फैसला है जो आज आया है। खुशखबरी, जी हाँ, जिस खुशखबरी का इंतजार हमें लंबे समय से था, उस खुशखबरी का पल अब आ चुका है। और जिस पत्र का हमें इंतजार था, वो पत्र भी अब आ चुका है। लगातार हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि गोमिया जो स्वांग का इलाका है, जहाँ पर सीसीएल के जो सीएमडी हैं, उन्होंने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके बाद तमाम गोमिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खुशी का लहर है और सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर में खुशी का लहर। जी हाँ, खुशी की लहर गोमिया पेरमो के आसपास के क्षेत्रों में जिस फीस वृद्धि को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को देखते हुए जो सीसीएल के सीएमडी है, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है और फीस वृद्धि पर अविलंब रोक लगाने का ऐतिहासिक कदम भी उठा लिया है। ऐसे ही ये पत्र बाहर निकल कर आता है और तमाम समाज सेवी, तमाम राजनीति और तमाम बेरमो क्षेत्र में रहने वाले लोग और गोमिया क्षेत्र में रहने वाले लोग और सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि हर अभिभावक लंबे समय के बाद ये खुशखबरी कब मिलेगी, इसका इंतजार तमाम लोग कर रहे थे और ये खुशखबरी अब हाथ लग गई है और तमाम लोग अब खुशी में है। इस खुशखबरी के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर एक अभिभावक को कितना पैसा हर महीना और हर साल बचेगा, इसकी पूरी जानकारी राम नारायण शर्मा आपको देंगे। शर्मा जी, तमाम दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि मामला क्या है, खुश क्यों है तमाम सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग। हिमांशु जी जैसा कि आप देखते हैं कि प्रत्येक साल जब मार्च महीना शुरू हो जाता है तो जो अभिभावक होते हैं उनके पास एक टेंशन आ जाता है कि अब विद्यालय अलग अलग प्रकार की फीस मांगेगा, एनुअल चार्ज मांगेगा, स्कूल डेवलपमेंट फीस मांगेगा, ड्रेस कोड के लिए अलग फीस मांगेगा, स्कूल के बच्चों के फंड के लिए अलग फीस मांगेगा। और एक बार फिर इस साल भी वही नज़ारा देखने को मिला बोकारो के अलग अलग क्षेत्रों में और सीसीएल क्षेत्र में भी देखने को मिला, जिसके बाद सीसीएल स्वांग का जो डीएवी स्कूल था वहाँ पर अभिभावकों ने जबरदस्त हंगामा किया, आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ये पूरा मामला सीसीएल के सीएमडी और डीपी के पास जाता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए अपनी कमेटी के मेंबरों को बुलाकर एक पत्र जारी किया और साफ शब्दों में कह दिया कि सीसीएल क्षेत्र में जो 7 डीएवी स्कूल है, वे किसी भी प्रकार की फीस बढ़ोतरी से जुड़ी हुई फीस नहीं ले सकते हैं, ये सीसीएल प्रबंधन का आदेश है। सुना ना आपने, ये बड़ी खुशखबरी, जो जो सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको ये जानकर काफ़ी खुशी होगा कि इस साल वो कोई भी फीस में बढ़ोतरी, जो स्कूल हर साल मनमानी किया करता था, उस मनमानी को अब रोक दिया गया है। शर्मा जी, एक बार फिर से हैं, जरा बताएं कि किन किन चीज़ों पर रोक लगाई गई। जी हिमांशु जी, सबसे पहले तो विविध प्रकार यानी मिसलेनियस के नाम पर जो चार्ज लिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह। परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन फी के नाम पर भी अलग अलग प्रकार के स्कूलों में अलग अलग फीस ली जाती थी। वार्षिक विकास यानी जिसको हम लोग एनुअल चार्ज कहते हैं, उसको साधारण भाषा में, दूसरे भाषा में री एडमिशन कहा जाता है, उस पर भी डीएवी के 7 स्कूल में सीसीएल प्रबंधन की तरफ से, सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद की तरफ से तुरंत रोक लगा दिया गया है और इसके लिए उन्होंने बाजपता पत्र भी जारी कर दिया है कि इस पत्र को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया जाए और किसी भी बच्चों से, किसी भी अभिभावक से कोई पैसा सेशन 2023-24 के लिए एक्स्ट्रा के रूप में नहीं लिया जाए। देखा जाता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल के जो लोग होते हैं, ये किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, बड़े बड़े मंत्री भी हार गए, ये सीसीएल के जो सीएमडी थे इन्होंने ये कैसे कर लिया? जी बिल्कुल, सीसीएल के सीएमडी ने, उन्होंने साफ बता दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले स्कूल मनमानी नहीं कर सकते जब तक सीसीएल के लोगों की सहमति नहीं होगी कि इस फीस को इतना बढ़ाया जाए, उतना ही लेना है। और एक तरह से उन्होंने दिखा दिया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे
तो अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है और सीसीएल के सीएमडी डीपी ने वही किया है और अब गोमिया के लोगों ने, बैरमो के लोगों ने राहत की सांस ली है, जिन्हें डर था कि अब शायद अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये फैसला कैसे लिया, किस अधिकार से लिया? जी, उनकी एक कमेटी बनती है और कहा जाता है कि सीसीएल जो जिन 7 डीएवी स्कूलों को अपनी तरफ से मदद मुहैया कराता है, उनके जमीन में स्कूल है, उनके पानी बिजली और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराता है, इस हैसियत से सीसीएल ने ये डिसीजन लिया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में रहने वाले स्कूल मेरे कानून और हमारी जो नियमावली है उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो सुना ना आपने कि सीसीएल ने कैसे ये बड़ा फैसला लिया है, जमीन हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, अब मनमानी तुम्हारा नहीं चलेगा, ये सीसीएल के सीएमडी ने साफ तौर पे कहा है। लेकिन हम जरूर इस स्टोरी में आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहेंगे कि सीसीएल ही नहीं, अगर बोकारो बीएसएल का जो इलाका है, इन इलाकों में भी अगर बीएसएल प्रबंधन चाहेगा तो इन स्कूलों पे नकेल कसा जा सकता है। शर्मा जी हमारे साथ है, कसा जा सकता है? बिल्कुल हिमांशु जी, मैं पिछले बार भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर बोकारो इस्पात प्रबंधन चाह ले तो इनके क्षेत्र में जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उन पब्लिक स्कूल, क्योंकि जो बीएसएल क्षेत्र में पब्लिक स्कूल है उनको भी सारी सुविधाएं बोकारो इस्पात प्रबंधन ने मुहैया कराई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जिस जमीन का आवंटन किया है उसको महज साल में कुछ 8 या 6 रुपये लेता है बोकारो इस्पात प्रबंधन सारी सुविधाएं देकर। तो अब जरा जरा हमारे दर्शकों को बताया कि बोकारो स्टील सिटी में कौन कौन से वो स्कूल हैं जो बीएसएल से लाभ उठा रहे हैं और ये जानकारी आपको कैसे मिली? जी बिल्कुल, एक आरटीआई के द्वारा इन सारी चीज़ों का जवाब मांगा गया, जिसमें कौन कौन हमारे यहाँ बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं राजू कुमार सिंह, उनकी तरफ से मांगा गया था और जिसके बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन ने इस आरटीआई का जवाब देते हुए साफ साफ शब्दों में बताया कि किन स्कूलों को कितनी जमीन दी गई और उस जमीन का सालाना कितने रुपये वो लेते हैं। कितने लेते हैं? बिल्कुल, 8 एकड़ जमीन का सालाना चार्ज सिर्फ 8 रुपया लेता है बोकारो स्टील प्लांट, मात्र 8 रुपये। कई स्कूलों के उसमें नाम है, आप हम सूची भी दिखा देंगे, उस सूची में नाम है जिसमें सिर्फ 8 एकड़ जमीन के लिए, किसी स्कूल का तो 6 रुपया भी है उसमें। चलिए सबसे पहले वो स्कूलों की आपको सूची दिखाते हैं जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं और बोकारो वर्कर्स यूनियन के जो मेंबर हैं राजू सिंह, जिन्होंने आरटीआई लगाकर बीएसएल से मांगा था कि आखिर बोकारो स्टील सिटी में जो जमीन आपने प्लांट बनाने के नाम पर लिया था आपने किस अधिकार से और किस नियम से इन स्कूलों को दिया और उससे मासिक शुल्क क्या लेते हैं, सालाना शुल्क क्या लेते हैं, उसकी जानकारी मांगा था। जरा उसका विवरण पहले देखिए। देखा ना आपने, इस बोकारो स्टील सिटी में एक जर्रा भी अगर जमीन आपको आवश्यक हो तो वो मिलना नामुमकिन है, लेकिन कौड़ी के भाव में बीएसएल ने इन स्कूलों को 8-8 एकड़ जमीन महज 8 रुपया में दिया है, जिसका विवरण हम लोगों ने आपको दिखाया। हमारे साथ शर्मा जी अभी बने हुए हैं। शर्मा जी जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या बीएसएल प्रबंधन या बीएसएल का अधिकारी जो है, यहाँ के जो कर्ता धरता है, वो अगर चाहेंगे तो इन स्कूलों पर मनमानी रोकी जा सकती है? बिल्कुल, डायरेक्टर इंचार्ज की बात करें, ईडी की बात करें, दूसरे सीजीएम या जीएम की बात करें, अगर वो चाह ले, उनकी कमेटी चाह ले, सबके शिक्षा विभाग इनका अपना है, बोकारो स्टील प्लांट का अपना शिक्षा विभाग भी है हिमांशु जी, और अगर वो शिक्षा विभाग चाह ले कि मेरे अधिकार क्षेत्र में जितने भी पब्लिक स्कूल है उन पब्लिक स्कूल को बोकारो इस्पात संयंत्र के गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ेगा तो ये एकदम संभव है और बोकारो इस्पात संयंत्र अगर चाहेगा तो सीसीएल जैसा ठोस एक्शन भी ले सकता है। तो ले सकता है, इस चिंगारी को बुझने नहीं देना, यह चिंगारी आने वाले समय में आग जरूर बनेगी। और अभी ये सीसीएल क्षेत्र में सीसीएल के सीएमडी ने फैसला लिया है, आने वाला समय में ये फैसला पूरा बोकारो स्टील सिटी के हर कोने कोने में गूंजेगा और अभिभावक जरूर बाहर निकल कर आएंगे।